बीजेपी नेताओं का चुनाव में जनता के बीच जाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। हरियाणा चुनाव में भी बीजेपी का संकट गहरा गया है। भाजपा नेताओं को जनता का समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा है। उधर कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद है। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी भी बहुत आक्रामक दिख रहे हैं। हरियाणा के हिसार पहुंचे राहुल गांधी ने एक के बाद एक बीजेपी और पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल ने कहा कि मैं यहां आकर 50 झूठ नहीं बोलूंगा, वो मोदी जी का काम है। यहां किसानों से उनका हक छीना जाता है। रोज आप मेहनत करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप देश को भोजन देते हो, आपको सही दाम मिलता है? धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम मिलता है? अरे भाई, किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है ना। अगर आपके जेब में नहीं जा रहा पैसा, आसमान में तो नहीं। राहुल गांधी ने हरियाणा में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिस्टमेटिकली रोजगार का सिस्टम खत्म किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार ने हरियाणा को नष्ट कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी ने 19% लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है। बीजेपी ने हरियाणा की बीमारी को बढ़ावा दिया है और इसे खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की। अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं। वो बच्चा जो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था, छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको, तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी, और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी।